ये हमारे पास डेल का लैपटॉप है, 5570 मॉडल नंबर है इसका, और इसमें इंटेल आपटे मेमोरी लगी हुई है 16 GB की। और अगर आपके सिस्टम में लगी हुई है तो उसको आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। और यहाँ पे आप M2 भी लगा सकते हैं, NVMe भी लगा सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आपको ये सारे स्क्रू खोलने पड़ेंगे बैक साइड से, और ये बैक साइड से ही ओपन होगा। इसको मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर से मैंने इसका कवर निकाल दिया है, और जैसा कि यहाँ पे देखें आप, ये इसका SSD स्लॉट है जहाँ पे आपके इंटेल मेमोरी लगी हुई है 16 GB की हमारी, या 32 GB भी हो सकती है आपका। और ये नॉर्मली आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो ये काम नहीं करेगी जब तक आप इसका ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करेंगे, इसका सेटअप नहीं करेंगे। और जब आप इसका सेटअप कर देंगे तो आपके लैपटॉप की जो बूटिंग स्पीड है और परफॉर्मेंस इसकी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे आप M2 भी लगा सकते हैं, NVMe भी लगा सकते हैं, आप ऑप्शनल है, लेकिन आपको फिर इसको हटाना पड़ेगा जो इसमें लगी हुई है पहले से। तो चलिए हम इस पर अभी विंडो इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें इसकी बूटिंग स्पीड क्या है, और इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको जब यूज़ में लेंगे तो फिर इसकी स्पीड कैसी है आ रही है। तो अभी हम इसको पैक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, विंडो करने के बाद मैं आपको फिर दिखाता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, इसमें विंडो इंस्टॉल हो चुकी है और इसमें इंटेल ऑप्टे मेमोरी भी लगी हुई है 16 GB की। और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, ये नॉर्मल पे चल रहा है अभी, इंटेल ऑप्टे मेमोरी का मैंने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है। और अभी चेक करते हैं कि क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, बूटिंग टाइम वगैरह यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने ऑन किया और यहाँ टाइमर स्टार्ट किया, और देखते हैं कितना टाइम लेता है बूट होने में। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से इसका सेटअप जब करता हूँ मेमोरी का, और उसके बाद फिर चेक कराता हूँ आपको कि तब कितना टाइम ले रहा है, जबकि इसमें मैंने ड्राइवर भी इंस्टॉल कर दिया अच्छे से, ग्राफिक ड्राइवर और जितने भी ड्राइवर हैं इसके सब मैंने इंस्टॉल कर दिया इसमें। नहीं हुआ, गड़बड़ाएगा फिर से करें। तो फ्रेंड्स, इसमें इंस्टॉल हो चुका है विंडोज़, और अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और टाइमर से यहाँ चेक करते हैं कि ये बूटिंग टाइम कितना ले रहा है इसको ऑन होने में और ऑफ होने में। और उसके बाद इंटेल ऑप्टेन मेमोरी को हम सेटअप करेंगे, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे क्या परफॉर्मेंस इसकी आ रही है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने ऑन किया इसको, और ये मैंने स्टार्ट किया यहाँ टाइम, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लेता है, जबकि मैंने इसमें पूरा डिस्प्ले ड्राइवर और जितने भी ड्राइवर इसके हैं सारे इंस्टॉल कर दिए हैं सिस्टम में। तो तकरीबन ये 50 सेकंड का टाइम लिया इसने ऑन होने में। और अभी हम क्या करते हैं, इसको इंटेल ऑप्टेन मेमोरी का सेटअप करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको गूगल पे जाना होगा, और गूगल पे जाके यहाँ पे इसका ड्राइवर सर्च करेंगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ इंटेल ऑप्टेन मेमोरी, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। और आगे यहाँ पर डालते हैं ड्राइवर, तो यहाँ से ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये मैं ओपन करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ ये यहाँ से पहला वाला सेटअप ऑप्टेन मेमोरी से, और यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं इसको। और यहाँ पे देखें ये डाउनलोड हो रहा है, 70 MB की फाइल है। तो ये डाउनलोड हो जाती है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है आगे। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें इंटेल ऑप्टेन लगी हुई है कि नहीं, एक तो आपको ओपन करना पड़ेगा, या आप बायोस से भी देख सकते हैं।
और दूसरा यहाँ डिस्क ड्राइव से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें ये इंटेल ऑप्टेन प्लस 1.8 TB HDD, तो यहाँ पे 2 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, इंटेल ऑप्टेन ड्राइव लगी हुई है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और अभी देखें यहाँ हमारा डाउनलोड हो गया है, ये जहाँ पे डाउनलोड हुआ है फाइल, ये जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बाहर और उसके बाद जो है देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये अभी स्लो काम कर रहा है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से रिस्पांस नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह है कि ये हमारा इंटेल ऑप्टेन अभी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया इसको और ये है इसका सेटअप। इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से इसको और अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपकी इंटेल ऑप्टेन ड्राइव काम नहीं करेगी जब तक आप इसका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देखेंगे इसमें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है इसमें। और अभी ये इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल होने के बाद आप जब प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पे इंटेल ऑप्टेन मेमोरी सर्च करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर दिखाएगा, आप इसको डबल क्लिक करेंगे। तो इस तरीके का वो खुल करके आएगा आपका। तो इसको हमने एक बार रिस्टार्ट कर लेना क्योंकि मैंने इसको रिस्टार्ट नहीं किया अभी तक। तो रिस्टार्ट होने के बाद देखें इस तरीके से ये खुल के आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी अभी सही से काम कर रही है ड्राइव। और एक बार हम इसको अब बंद करके यहाँ से इसको डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ये इनेबल है तो इस डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है अभी और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है इंटेल ऑप्टेन मेमोरी इज़ इनेबल एंड इज रिस्टोर योर सिस्टम। तो इस तरीके से ये हमारा भी काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं अभी इसको मैं शट डाउन करता हूँ, दोबारा से इसका बूट टाइम चेक करता हूँ कि क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी इसको टेस्ट करते हैं और यहाँ से मैंने इसको ऑन किया और यहाँ से इसको ऑन किया और देखें अभी कि ये कितना टाइम लेता है अभी इंटेल ऑप्टेन मेमोरी इनेबल होने के बाद। तो ये टोटल 14 सेकंड लिया इसने ऑन होने में। तो ये अभी काफ़ी पहले से अच्छी स्पीड हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं और वरना इंटेल ऑप्टेन रखने का कोई मतलब नहीं है अगर आप इसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप जो है वहाँ पे अगर SSD लगाना चाहते हैं तो बड़ी भी लगा सकते हैं और उससे भी स्पीड आपकी जो है अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो 2 TB नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी हुई है तो वो नॉर्मल और SSD में फ़र्क तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे WhatsApp या कॉल कर सकते हैं।